यूपी में माफियाओं को जान का खतरा सता रहा है। यूपी में बड़े माफियाओं की गोली मार कर हत्या करने की दूसरी वारदात सामने आई है। इसी साल अप्रैल में प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। अब इस कड़ी में दूसरा नाम जुड़ गया है मुख्तार अंसारी के करीबी गैंगस्टर संजीव जीवा का। यह हत्याकांड कहीं न कहीं अतीक अहमद हत्याकांड की याद दिलाता है। प्रयागराज में जिस तरह अतीक को पुलिस की सुरक्षा के बीच गोली मारी गई थी, ठीक उसी तरह संजीव जीवा की भी हत्या पुलिस सुरक्षा के बीच हुई। आइए आपको बताते हैं कि कैसे संजीव जीवा हत्याकांड को अतीक हत्याकांड जैसे ही अंजाम दिया गया। पुलिस गैंगस्टर संजीव जीवा को लखनऊ के SC/ST कोर्ट में पेशी के लिए ला रही थी। इसी दौरान हमलावर वकील की ड्रेस पहनकर कचहरी के अंदर घुसे और कोर्ट रूम के बाहर हमलावरों ने पुलिस अभिरक्षा में संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक उसी तरह जैसे प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जा रहे अतीक अहमद पर हमलावरों ने हमला बोला था और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। अतीक अहमद हत्याकांड की तरह ही हत्यारे ने संजीव जीवा पर कई गोलियां बरसाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक संजीव जीवा को 6 गोलियां मारी गयी। अतीक अहमद को भी हत्यारों ने कई गोलियां मारी थी। अतीक हत्याकांड के बाद जहां सारे हमलावरों ने तुरंत सरेंडर कर दिया था, तो वहीं संजीव जीवा शूटआउट के एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा शूटर अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। संजीव जीवा की बात करें तो BJP विधायक कृष्णा नंद राय की हत्या मामले में वो नामजद आरोपी था। BJP नेता ब्रह्मादत्त द्विवेदी की हत्या में लखनऊ जेल में संजीव जीवा सजा काट रहा था। घटनास्थल पर इस समय भारी पुलिस बल मौजूद है। संजीव जीवा माहेश्वरी पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। उसका वास्ता मुख्तार अंसारी गैंग से था और वो मुख्तार अंसारी का शूटर था। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।